दमोह बस स्टैंड पर अब यात्री सुरक्षित नहीं है। जी हां, दमोह बस स्टैंड पर नकली पुलिस बनकर कुछ ठगों के द्वारा नरसिंहपुर से आए एक सीधे साधे रिटायर शिक्षक सुभाष नेमा के साथ में ठगी की अनोखी वारदात को अंजाम दिया गया है। शिक्षक रहे सुभाष दुबे के बस स्टैंड पर उतरने के बाद में नकली पुलिस बनकर इन नकली ठगों ने जहां उनको भय दिखाया और उनके सोने की चैन अंगूठी उतारने और एक कागज की पुड़िया में रखने की सलाह दे डाली और उसके बाद में नकली ठग उनको एक साइड में ले गए। उनकी 3 तोले की सोने की चैन और अंगूठी को उतरवा कर उन्होंने कागज की पुड़िया में रखवा कर उनके बैग में रखवा दिया और इसके बाद यह चलते बने। बाद में जब उन्होंने अपने बैग को खोला तो उसमें सोने की चैन अंगूठी की जगह पर कंकड़ पत्थर निकले, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज किए जाने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में कोतवाली TI आनंद सिंह का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया। 24 के दोपहर करीब 2:30 बजे की बात है, सुभाष नेमा जी पिता भैयालाल नेमा जी जो कि मूल रूप से रहने वाले नरसिंहपुर के हैं, वो अपने एक रिश्तेदारी नातेदारी में दमोह आए थे। लगभग 2:30 बजे के आसपास वो बस स्टैंड पर उतरे। बस स्टैंड से उतरने के बाद उन्हें 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा यह कहकर रोका गया कि वह जो है सिविल में रहने वाली पुलिस हैं और उन्हें विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों या संदिग्ध वाहनों की तलाश के लिए अधिकारियों ने लगाया है, इसलिए हमें आपकी तलाशी करनी है। आप कहाँ के रहने वाले, आप बाहर के दिख रहे हैं। सज्जन व्यक्ति ने सहज सरल स्वभाव के अनुरूप अपनी चेकिंग करे, अपने व्यक्ति चेकिंग करे, उसके बाद उनमें से उन लोगों के द्वारा बताया गया कि आपने जो अंगूठी पहन के रखी और चेन पहन के रखी, ये भी आप उतार कर एक कागज़ में रख दीजिए आपके बैग में, तो हम आपकी तलाशी ले लेंगे। उसने कागज़ में लपेट कर दे दी, उन्होंने उसकी तलाशी ली और बोला ये लीजिए आपका एक कागज़ में लपेटी हुई ज्वेलरी और ये आपका बैग, आपके बैग के जेब में हम रख देते हैं और आप 6 आदमी चले जाइए, आपकी चेकिंग में कुछ नहीं मिला। वह फरियादी आगे जाके जब होटल में खाना खाने के लिए बैठा तब उसने अपना सामान चेक करा तो उस कागज़ में लपेटे हुए उसकी ज्वेलरी की जगह पत्थर मिले। कहने का मतलब कि घटना के समय उन आरोपी गण के द्वारा उस कागज़ में पत्थर रखकर कागज़ में रखी ज्वेलरी को चेंज कर लिया और फरियादी के साथ ठगी करी। इसकी रिपोर्ट पर 3 आरोपी अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420-34 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात आरोपियों की तलाश पता रहे प्रयास। सर कितने की ठग के आसपास बता रहे हैं? 2 लाख की।